नमस्कार, सत्य लकीर देख रहे सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। और मैं हूं आपके साथ राकेश। आज मैं आपको लेकर आया हूं, ये सामने गांव है द्रापते, ये सामने है चुवाला, और ये बीच में आप देख सकते हो यहां पर गेगी है, और हम सेंटर प्लेस ये जमीन में जो खड़े हैं इसको कहते हैं रोई। बहुत ही एक बड़ी गटरा जो है वो उभर कर सामने आई है। ये रोई के अंदर से हमारे साथ जिनकी जहाँ पर जमीन है पंडित सुशील जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। दो दिन पहले जहाँ से जमीन के अंदर से ये आप मोटर देख रहे हो, चोरों ने जहाँ से मोटर को खोला, बम्बी को खोला, और ये जो आप देख सकते हो कि पेचकस, ये बड़ी जल्दी से उनका पेचकस भी जहाँ पर रह गया है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन आरसपुरा से ये मांग करता हूँ कि रात के समय में यहाँ पर नाके लगने चाहिए। जो लोग शराब पीने वाले हैं, जो लोग नशा करने वाले हैं, वो आजकल बाजारों में नहीं बैठते, बल्कि ऐसी जो शांत जगह है, ज़मींदार लोगों की जहाँ जगह है जहाँ पर बम्बियाँ वगैरह लगी हुई हैं, तो यहाँ पर आते हैं वो। तो मैं आइए हमारे बीच में उपस्थित पंडित सुशील जी, इनसे जानते हैं पूरा वाक्य क्या है। पंडित जी, सबसे पहले तो सत्य लकीर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मैं सत्य लकीर के एडिटर श्रीमान राकेश जी को नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने आकर के यहाँ पर, ऐसे तो सिटी में या कोई बड़े लोगों के वाक्या तो सभी जान लेते हैं, लेकिन आकर के हमारे गरीबों की जिन्होंने ये जानकारी ली, जिन गरीबों के साथ क्या गुजरा, क्या हुआ, जिन्होंने आकर के यहाँ हमारे साथ अपना हमारा दुख, तो अभी किसी से मांग करके पानी ले रहे हैं, चला रहे हैं, तो बहुत परेशानी का सामना हुआ है जी, चोरों ने हमारे साथ किया है, ऐसा दुर्घटना हमारे साथ घटी है। तो ये जो चोरी की वारदात है, ये रोई के अंदर आपका ही केस है या जहाँ पर और भी केस हुए हैं? आज से कोई एक डेढ़ साल पहले यहाँ पर हमारे वहाँ पे गांव के पास ही वहाँ से भी एक मोटर चोरी हुई थी। थोड़े दिन पहले, कोई 8-10 दिन पहले, यहाँ पर सामने एक घर है, वहाँ से जो घर के लिए यूज़ के लिए मोटर लगाई होती है वो भी चोरी हुई है। तो उसके 10 दिन के बाद ये हमारी जो यहाँ ज़मीन से मोटर चोरी हुई है। तो आपने क्या SHO आरसपुरा जो नए ट्रांसफ़र होके आए हैं राजेश शर्मा जी, क्या आप थाना प्रभारी के पास गए, आपने रिपोर्ट का वहाँ पर दर्ज करवाई है? हाँ, कल हम सुबह जब हमें पता चला तो उसके उपरांत हम SHO साहब के पास गए हैं, उन्हें एप्लीकेशन भी दी है। तो SHO साहब ने बड़े ही अच्छी तरीके से हमारी बात सुनी है, हमारा वाक्य सुना है, और उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है कि जैसे ही हमें कोई ना कोई सुराग इसका मिलेगा तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, और आपका जो सामान है उसको बरामद करके आपको वापस लौटाएंगे। उसी समय उन्होंने एक सब इंस्पेक्टर साहब को हमारे साथ भेजा, उन्होंने आकर के यहाँ पर फोटोग्राफी की स्पॉट को चेक किया। तो SHO साहब ने बड़े ही ईमानदारी से हमारा वाक्य सुना है और बहुत ही गहराई से, गंभीरता से उसको विषय में लिया है। तो हम SHO साहब को शुक्रिया अदा करेंगे, और SHO साहब से हमने ये भी गुहार लगाई है कि जैसे श्रीमान राकेश जी ने कहा है कि यहाँ पर अभी शाम के समय अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको पूरा एरिया में, यहाँ अलग अलग झुंड में बैठे हुए नवयुक्त पाए जाएंगे, जो कि बड़े नशे में लिप्त हैं, यहाँ पर आकर के वो नशा करते हैं, और अब यहाँ पर आप बियर की बोतलें, विस्की के क्वार्टर्स यहाँ आप उनको पाएंगे, यहाँ पड़े हुए हैं एरियाज में। तो यहाँ आकर के अगर कुछ रेड्स हो जाएं शाम को, ताकि ऐसे लोग जो शरारती तत्व हैं उनके ऊपर काबू पाया जा सके। तो जे थे हमारे साथ सुशील पंडित जी, आपको हमने पूरा दृश्य दिखाया, पूरा क्या बाकिया है, कैसे जहाँ से मोटर को चोरी किया गया, और इन्होंने आरसपुरा में जाके रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है। तो देखिए अभी क्या होता है। मैं अपने सत्य लकीर के माध्यम से जो हमारा चैनल देख रहे हैं, तो जैसे हमें आरसपुरा की और बॉर्डर बेल्ट की सारी जहाँ से कवरेज करने के लिए आपको बुलाते हैं, तो आज ये सामने का जो रोड है 1 किलोमीटर के अंदर, अब हमारे बीच में मौजूद हैं रिटायर्ड कैप्टन कुंदन लाल जी। इनके लिए हम बताएं आपको, इन्होंने पहले देश की सेवा की है, जब से रिटायर होके ये आए हैं, ये घर में एक मिनट भी नहीं बैठे हैं, अपने सनातन धर्म का प्रचार करते रहते हैं, लोगों के प्रति ये हमेशा ईमानदारी से खड़े हैं, और पूरे ही अपने जोश और होश के साथ ये काम कर रहे हैं। तो जब कभी हम इनको देखते हैं, ये दिन में भी लगे हैं, रात में भी लगे हैं, जी इनकी जो सामाजिक सेवाएँ हैं ये चलती रहती हैं।
तो कुंदनलाल शर्मा जी, आपका स्वागत है में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। सबसे पहले मैं आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस क्रूशियल टाइम में, खास करके जबकि इतनी गर्मी पड़ रही है, अपना काम काज छोड़ करके आप खेतों में आए हैं और हमारी कोई पुकार सुन रहे हैं, हमारी क्या कठिनाइयां हैं। वैसे तो हम आपके वीडियोस ये सब कुछ देखते रहते हैं, जगह जगह आप जाते हैं, एक बहुत ही अच्छा सामाजिक काम कर रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले मैं मुबारकबाद आपको देना चाहता हूँ। दूसरा, आप अभी मेरी बम्बी के सामने खड़े हैं, मैं अपनी बम्बी में हूँ। ये ज्वाला के और गेगियों के बीच की जगह है, सामने द्रापते पड़ता है, उधर गेगियों पटरी पड़ती है, बीच में रोई का इलाका है जहाँ धान का फसल बहुत अच्छा होता है। और यहाँ मैं आपको बताता हूँ, जिस बम्बी में हम खड़े हैं, ये हमने बम्बी बनाई थी कुछ कोई 20 साल पहले। सबसे पहली रोई में पहली या दूसरी बम्बी हमारी ही लगी थी यहाँ पर। फिर धीरे 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 अभी तो बहुत बम्बी हो गई, और यहाँ पर सिंचाई की कोई प्रॉब्लम थी, नहरें नहीं हैं, इसलिए लोगों ने मजबूर होकर, गरीब किसान है बेचारा, ये तिल फूल इकट्ठे करके उन्होंने ये बम्बी लगाई हैं, तो उनमें से हम भी एक थे। तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फरवरी महीने में जिस बम्बी में मैं खड़ा हूँ, ये 2 कमा एक ज़मीन है हमारी और कुछ उधर सुंदरपुर में भी है, तो यहाँ पर कुछ रात को कोई आए आदमी, तो उन्होंने गेंती और औजार ले करके हमारी बम्बी को तोड़ने की कोशिश किया, तो उसमें सुराख भी हो गए, ताला भी उन्होंने तोड़ दिया, ताला नीचे पड़ा हुआ था। तो सुबह हम जब आए तो देखा, हम तो हैरान हो गए, हमारे पास आगे मोटर नहीं है, इंजन है, क्योंकि बिजली की यहाँ पर दिक्कत है, तो इंजन बहुत महंगा है, 30,000 से कम नहीं है पहले का लगा हुआ है, और हमने सोचा कि इंजन चला गया है, चलो भगवान की दया से हमने जब खोला तो इंजन सही सलामत था, ताला टूटा हुआ था, एरल वगैरह भी उन्होंने, दरवाज़ा बुरी तरह टूटा हुआ था, लेकिन ऐसा बेंड होने की वजह से वो खोल नहीं पाए, या डर के मारे से भाग गए, इस वजह से हमारा इंजन बच गया। तो ये फरवरी की बाई की है, और उन्होंने किसी औजार से ये सुराख किए हैं ताले के ऊपर, वो उनका मिशन ही यही था कि इस इंजन को ले जाएं या जलाएं या कुछ करना था उन्होंने। तो इस विषय में हमने यहाँ पर पंचायत भी की, सरपंच पंचिस को भी बुलाया था और मोटे मोटे आदमी को बुलाया था, तो उनको बताया था कि आप भी सतर्क रहो, ऐसी कोई वारदातें रात को होती हैं तो आप यहाँ पर आ करके उसका बचाव करिए, आइए खेत में। और दूसरा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 10-15 साल से वो ऐसे नशे की लत पड़ी हुई है, और शाम को जितने भी बम्बी पर लगी हुई है रोई में, कुछ लोग आते हैं, कोई बाजार से आते हैं, कहां से आते हैं हमें पता नहीं है, 5-5, 6-6 आदमी का गुट बम्बियों के ऊपर बैठा रहता है, आकर के दारू पीता है। हमारी बम्बी नहीं, सामने एक और बम्बी लगी हुई है, उसमें भी वो पीछे भी बम्बी, यहाँ भी हैं, यहाँ छाया देखते हैं वहाँ पर, बड़े आराम से, उनको कोई किसी की चिंता नहीं है कि पुलिस वाले आएगा हमें मारे। हमने 2-3 बार उनको बोला, हाथ जोड़कर बोला, भाई साहब आप यहाँ से छोड़ दीजिए बोतलें, यहाँ तोड़ पीते हैं और बोतलों को तोड़ देते हैं, जो कि लाव लगाने के समय हमारा कांच लग गया, तो कितनी चांदनी की बीमारी, कितने रोग लग जाए, उन कांचों को हम इकट्ठा कर रहे हैं, कई बार रिपोर्ट भी किया। और दूसरी, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज से 4 साल पहले इसी बम्बी में धूप में इसमें एक आदमी की डेथ हुई थी, उसने दारू पी लिया, यही मई जून का महीना था, और दारू भी पी रहा होगा, साथ बोतल पड़ी हुई है, सब कुछ पड़ी है, लेकिन वो डेड बॉडी रात की पड़ी हुई, किसी को मालूम नहीं। हम जब गए तो हमने देखा कि डेड बॉडी पड़ी है, हिलाया तो मरा हुआ है, रोला किया, सब लोग इकट्ठे हुए, एक्चुअली वो जो शब्द था, डेड बॉडी थी, वो चवाले वाले किसी का था, ही वॉज हैवी ड्रिंकर। तो वो सारे आए, पुलिस को रिपोर्ट किया, पुलिस वाले आए, उसको शब को ले गए, कोई वेरीफिकेशन तो उन्होंने नहीं किया, वेरीफिकेशन करने का लोगों ने बोला ही नहीं, उन्होंने बोला कि ये तो शराबी है, ये पी के ही मरा है, घर में भी ऐसे करता था। तो ऐसी ऐसी वारदातें खुली जगह होती है, माता पिता को पता नहीं है, और नशे की लत में ये पूरा युवा वर्ग है। हम युवा वर्ग को बचाने के लिए धार्मिक संस्थानों में जाकर के हाथ जोड़कर लोगों से प्रार्थना करते हैं संस्कारों के लिए, लेकिन हो क्या रहा है। मैं आपके माध्यम से, सत्या लकीर के माध्यम से, पुलिस स्टेशन अमानिया, SHO, ST, DPO साहब और सभी को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहता हूं कि वो इसका संज्ञान लें, आकर शाम को थोड़े छापे मारें, इनको डरा दें, 2-4 पुलिस वाले आएगा, 2-3-4 बार घुमाओगे तो फिर नहीं आएंगे, वो हमारी तो बात सुनेंगे नहीं, तुम कौन होते हो, मैं तो आपने इधर बैठा हूँ, बनने में बैठा, चलो आपके खेत में, दूसरे में बैठ जाऊँगा, ऐसे करके हमें टरका देते हैं, हम कानून तो हम अपने हाथों से ले नहीं सकते। तो ये एक बहुत ही बड़ा, एक अच्छा कदम होगा पुलिस की साइड से, ताकि एक अच्छे संस्कार आए और ये लत जो दूसरी को पड़ी हुई है, और यही लोग अगर बम्बियों की सुबह रैकी करते हैं, कहाँ मोटर लगी है, कहाँ इंजन लगा हुआ है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट रैकी रात को वो प्लानिंग बना कर ये काम करते हैं। अभी जो रिसेंटली आपने लिया उनकी
15,000 की प्लस सारा सामान पा करके 20,000 रुपये की मोटर थी, नहीं थी। उन्होंने लाज किया, पुलिस स्टेशन में केस भी लाज किया, बिल भी दिए, सभी दिए। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे केसेस और भी बहुत है, पूरे आरसपुरा में होते होंगे। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा रिपेयर दिखाया जाए, लोगों को दिखाया जाए, और वो लोग भी देखें जो शराब पीते हैं, शायद इस वीडियो से देख करके सुधर जाए। और पुलिस से एक बार और मैं विनती करता हूँ कि वो शाम को 2-4 दिन, 1 हफ्ता जरूर रैकी करें, और सामने आपके चौली की रोड से जब आओगे बाएं दाएं देखो तो सामने बैठे हुए मिलेंगे। तो कैप्टन साहब, जैसे लोग यहाँ पर आके दारू शारू पीते हैं, क्या आप वो बोतलें हमें दिखा सकते हैं सत्य लिखकर के माध्यम से? अभी हम अपने बम्बई में मना किया, 2-3 बार मैंने पकड़े वो, मैंने उनकी बेइज्जती भी किया, हाथ जोड़ करके पहले उनसे रिक्वेस्ट किया कि छोड़ दो ये गंदी आदत है, क्यों अपने बाल बच्चे को धोखा दे रहे हो, माता पिता को दे रहे हो। वो बोला क्या है ये, तो जमीन में कहीं बैठ सकते हैं। फिर मैं क्या उसके साथ लड़ता, और वो उधर से उठ करके दूसरी बम्बी में, अभी ये देख रहे हैं सामने एक बम्बी अभी अभी बनाई है, अभी 2-4 दिन हो गए, अभी ये उसके ऊपर छत डाला, अभी आप देखिए ये बोतलें पड़ी, अभी आप देख लीजिए ये खाल है, यहाँ से पहले हम पानी लगाते थे, अभी किसी वजह से ये खाल बंद हो गई है, पानी नहीं आ रहा है, तो लोग गरीब लोग बेचारे मजबूर होकर के ये बंदी के लगा रहे हैं अपने पैसा खर्च करके, और परिणाम ये निकलता है कि वो रात को उसकी मोटरें चोरी हो जाती है। देखिए बोतल, ये बियर की बोतलें हैं, पता नहीं, हम तो पीते नहीं, हमें तो बोतल ही नज़र आती है, ऊपर क्या लिखा हुआ है ये आगे देखिए, ये भरे हुए, ये देखिए बस इधर छाया में बैठ करके पूरा ये गंदा कर दिया। और पहले तो इन बोतलों को तोड़ते थे, पीने के बाद ऐसे मार करके फोड़ देते थे, और कांच जानबूझ करके जमीनों में गिरा देते थे इधर। और आपको पता है जो कद करेंगे, लाभ लगाएंगे, अंगूठे में कांच लगेगा, चांदी की बीमारी होगी, दाखिल होंगे हम जाके हॉस्पिटल में, कितना खर्चा गरीब आदमी का है। तो इसको बराए मेहरबानगी आपके माध्यम से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट से कि इसके ऊपर पर्टिकुलर ध्यान दिया जाए। जो हमने दिखाया है आपको, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम चुवाला द्राप्ता और जहाँ जो गांव लगता है रेड़े पटरी भी है, गेगी है, रोई के बीच खड़े हैं, तो यहाँ पर आपने विचार सुने पंडित सुशील जी के साथ, तो और हमारे बीच में मौजूद के माध्यम से जिन्होंने आज मुझे यहाँ पर जमीन में बुलाया, और ये जो बम्बी चोरी होने का मामला जो मेरे प्रकाश में आया, इसको हमने सत्य लकीर के माध्यम से चैनल से हमने उठाया। तो आप देख रहे सत्य लकीर, मुझे दीजिए इजाज़त, जय हिंद, जय भारत।